हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्पार्क स्टेनोग्राफर। जैसा कि हम इतने दिनों से वेट कर रहे थे CRPF रिक्रूटमेंट का, तो फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है डायरेक्टरेट जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस CRPF रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन के बारे में बताया था पिछली अपनी वीडियो में, तो फ्रेंड्स आज मैं इसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि है डायरेक्टरेट जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आपका स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी है, तो वो देख लेते हैं। जैसा इसमें लिखा है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन मेल एंड फीमेल। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो हैं 359। ठीक है, जो हेड कांस्टेबल की हैं और जो GD है 19 है उसमें मेल एंड 1 फीमेल, एंड कांस्टेबल GD उनमें है 295 मेल 44 फीमेल। क्लियर, अंडर स्पोर्ट्स कोटा। ये स्पोर्ट्स कोटा के लिए है बेसिकली। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द पोस्ट ऑफ टेम्प्रेरी बट लाइकली टू बी कॉन्टिन्यूड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लाइबल टू रिजर्व एनी वेयर इन इंडिया एंड और आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे वो इंडिया के लिए या फिर इंडिया से बाहर टेरिटरी में आपकी किसी भी जगह पर पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं नंबर ऑफ नेम ऑफ द सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम और उनकी वैकेंसीज मेल एंड फीमेल के लिए। जैसा कि है हॉकी मेल 15 मेल एंड वन मेल एंड फीमेल। हॉकी वुमेन के लिए वैकेंसी CTGD वो है 3। इसमें आपकी HC जो हेड कांस्टेबल है उसमें नहीं है। नेक्स्ट ऐसे ही फुटबॉल मैन और वुमेन के लिए है 3 और 9, इसमें आपकी GD है। नेक्स्ट है आपकी रोलिंग मैन एंड वुमेन 2 और 18, इसमें आपकी हेड कांस्टेबल की भी है 1। नेक्स्ट कबड्डी आर्चरी एथलीट वेट लिफ्टिंग रेसलिंग जूडो बॉक्सिंग स्विमिंग वॉलीबॉल टाइकोंडो शूटिंग बास्केटबॉल हैंडबॉल जिमनास्टिक कराटे बॉडी बिल्डिंग बैडमिंटन। तो ये सारी आपकी पोस्ट हैं जिसमें आपको जैसा दिखाई दे रहा है किस में कितनी पोस्ट हैं वो आप देख सकते हैं। जो मैन की पोस्ट है GD में वो है 295, वुमेन है 44, तो टोटल हो गई 339। ऐसे ही GD में देख लीजिए HC, उसमें आपकी मेल की है 19 वुमेन 1, तो टोटल हो गई आपकी 20। तो इस तरीके से जो आपकी नंबर ऑफ टोटल पोस्ट हैं वो है 359। आगे देखते हैं, इसमें आप इसका फॉर्म www.crpf.gov.in पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें पे स्केल की। जो इसमें हेड कांस्टेबल है जनरल ड्यूटी उसका पे स्केल है ₹25,500 to ₹81,100, और कांस्टेबल जनरल ड्यूटी में है आपका ₹21,700 to ₹69,100। ठीक है, तो ये था आपका पे स्केल।
नेक्स्ट है इसमें अदर अलाउंसेस. द अबव पोस्ट आर कैरी डियरनेस अलाउंस HRA एंड अदर अलाउंसेस एज एडमिसेबल इन CRPF. जितने भी आपको गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जितने भी आपको अलाउंसेस HRA वो प्रोवाइड होंगे. ठीक है, नेक्स्ट है न्यू डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंटेड. जो अभी गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम निकाली है वो भी इस पर इम्प्लीमेंटेड होगी. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. पहले बात करते हैं हम HCGD. ठीक है, अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा. इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो है 18 to 23 years एज ऑन 13/1/2019. बेसिकली इसमें आपका 12th पास होना चाहिए. ठीक है, और किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ होना चाहिए आपका एक क्लियर. और आप इसमें देखिए, कैंडिडेट शुड नॉट पोजेस एनी असेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 13/1/2019. शुड नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई. अगर किसी ने कुछ और कर रखा है 13/1/2019 में की तक तो वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसमें जो स्पोर्ट्स कोटा है वो देख लेते हैं. इंडिविजुअल इवेंट नेशनल में खेला हुआ हो, टीम इवेंट होना चाहिए नेशनल, और इंडिविजुअल टीम इवेंट इंटरनेशनल. तो ये सारी चीज़ें आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन मांगी गई है. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें CTGD देख लेते हैं. अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा 18 to 23 years एज एज ऑन 13/1/2019. बेसिकली सेम चीज़ वही है. इसमें भी आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से. ठीक है, और इसमें भी वही मेन चीज़ है, कैंडिडेट्स हु डज नॉट पोजेस द असेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 13/1/2019 वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है, बात करें स्पोर्ट्स कोटा की तो सेम वही चीज़ है. आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए स्कूल टीम इन नेशनल स्कूल गेम्स का, SGFI का. ठीक है, और जितने भी आपके पास वो मेरिट है उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा. ठीक है, इसमें अब आगे देख लेते हैं कुछ स्पेशल इसमें नोट्स हैं वो देख लीजिए. जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आया है जिस डेट से आया है आप उसको विद इन 30 days के अंदर आप उसे फिल कीजिएगा. आपकी एज लिमिट वहीं से काउंट होगी. जो भी आपके नेम रिकॉर्डेड है डेट ऑफ बर्थ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे वही आप उसमें मेंशन करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें आपको दिखानी होती हैं. नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर इट्स चेंज टू बी कंसीडर और ग्रांटेड. अगर कोई चीज़ गलत है या कोई चेंजेस हैं तो वो काउंट नहीं होगी. तो ठीक है, और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जामिनेशन अवेटिंग रिजल्ट नॉट इन पोजेशन ऑफ एजुकेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नीड नॉट टू अप्लाई. ठीक है, ये चीज़ क्लियर है. ऑल एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अदर देन सेंट्रल बोर्ड स्टेट बोर्ड शुड बी अ कंप्लेन. जो भी अगर अदर से है वो चीज़ इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है अपर एज रिलैक्सेशन. एज लिमिट की बात कर लेते हैं. अनरिजर्व कैटेगरी को रिलैक्सेशन है 5 years, OBC 8 years, SC ST 10 years. क्लियर, नेक्स्ट है इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है. उसमें आपकी जनरल SC एंड OBC कैंडिडेट के लिए जो हाइट है मेल की वो है 170, फीमेल 157. रिलैक्सेशन मिलेगा आपको जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका है 162.5 मेल एंड 152 फीमेल. नेक्स्ट जो अदर कैटेगरी से अदर स्टेट से बिलोंग करें जैसे कि एस्ट्रन, नॉर्दर्न एस्ट्रन स्टेट्स,
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है, ये इनके लिए है मेल की 160 एंड फीमेल 147.5। नेक्स्ट है जो लोग स्टेट बिलोंग कर रहे हैं आसाम, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर, उनकी है मेल में 165 एंड फीमेल 155। नेक्स्ट है जो लोग अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा से बिलोंग कर रहे हैं, वो हैं 162.5 एंड मेल एंड 152.5 फीमेल। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका सारा हाइट का मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है आपका चेस्ट रिलैक्सेशन, एससी एसटी सॉरी जनरल एससी एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए 80 to 85, फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल। रिलैक्सेशन है इसमें आपका एसटी कैटेगरी के लिए 76 to 81 मेल, एंड जो अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं जैसे गढ़वालीज, कुमाऊनीज, जोगरास, मराठास, जो और बिलोंग करते हैं आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, उनके लिए 78 to 83। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका चेस्ट एक्सपेंशन दिया हुआ है। नेक्स्ट अब इसमें देखो वेट का भी मेंशन किया हुआ है, वेट आपको कितना है फीमेल और मेल की एवरेज, जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग, हाइट इन सेंटीमीटर्स, तो ये आपका एज इन ईयर दे रखा है। अगर आपकी हाइट 140 है तो उसमें अलग है, 150 है उसके लिए अलग है, 153 है, तो इस तरीके से आपका अप टू 168 तक फीमेल के लिए मेंशन किया गया। नेक्स्ट है जैसे मेल के लिए 156 से लेके 190 तक इसमें मेंशन किया गया है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट मेंशन इन अबव विल बी परमिसेबल ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ पीएसटी। ये आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जो कि एस्टेंचर डी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मेडिकल होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड है तो वो चीज़ें बहुत मेन होती हैं इसमें, आपकी आईसेट बेसिकली चेक होती है, अगर किसी को कोई इशू है, विजुअली करेक्शन है, कोई दिक्कत है, तो वो ये चीज़ें आप देखेंगे जो कि आप अगर यूज़ कर रहे हैं क्लासेस, तो उसके लिए जैसे बेटर आई है N6, वर्स आई N9, बेटर आई 6x6, वर्स आई 6x9, तो इस तरीके से आपको आई का दिया गया है। जनरल मेडिकल गाइडेंस आपको गिवन है इस चीज़ में, PST आपका, PET होगा, एक्सरे, मेडिकल चेस्ट PA, होमोग्लोबिन, यूरिन, रूटीन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें आपकी कराई जाएंगी। ठीक है, टैटू वगैरह अगर किसी के बॉडी पर है तो वो चीज़ भी आप लोग नहीं इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, तो वो चीज़ आपको देखनी है, बॉडी सरफेस स्वेलिंग है, DNS है, तो ये सारा आपका बेसिकली मेडिकल गाइडलाइंस में आता है, ये सी चीज़ें आपको देख के जानी। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो इस चीज़ को नहीं अप्लाई कर सकता। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये जनरल इंस्ट्रक्शन गिवन है। डोमिसाइल कैंडिडेट शुड बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। ठीक है, और हाउ टू अप्लाई, जैसा कि मैंने बताया, आप इसको वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी अप्लाई करने की डेट है वो है 28/1/2019। क्लियर, नेक्स्ट जैसे एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन की फ़ी की बात करें तो है 100 rupees एप्लीकेशन फ़ी है इसमें, और ऐसा तो बहुत कुछ है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका है नो TDA, DA विल बी एडमिसेबल, रेगुलेशन ऑफ टाइज केसेस, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू बी कैंडिडेट्स, ये सब आपको फॉर्म फिल करते टाइम रीड आउट करनी है ताकि आप फॉर्म को ईजिली आप फिल कर सकें, ये जैसा आपको दिया गया है। तो इस तरीके से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह लगा कर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप अपना कोटा ये सब देख कर इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो और भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी फर्दर डिटेल्स अगर होती है तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, आप इस फॉर्म
कि जो क्लोजिंग डेट है वो बस याद रख लीजिए 13/1/2019 जो कि सबसे मेन है क्लोजिंग डेट, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का नोटिफिकेशन जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है CRPF, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए ताकि मैं लाती रहूँ आपके लिए नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग।